सो बेटा सारा प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैनकला डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहा हूं। बेटा आज असि करांगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, संभावना चैप्टर के क्वेश्चन जेडे कि क्लास 9th दे। असि लास्ट टाइम वर्कशीट कंटिन्यू कर रहे सी और अज असि उसे वर्कशीट के कुछ अगे क्वेश्चन करांगे। तो क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 1 जो अज का पहला क्वेश्चन है वो है एक पासा एक वार सुटिया जाता है, एक पासा एक बारी सुटिया जाता है, पासे दे उत्ते एक टांक संख्या आउन की संभावना संभावना डैश है। एक पासा एक बार सुटिया जाता है, पासे दे उत्ते एक टांक संख्या आउन की संभावना डैश है। की संभावना है? सानू पता है कि जदों असीं पासे नूं सुटदे आ तां उस पासे नूं सुटण ते साडे कोल 6 तरह के परिणाम आ सकदे। एक होंदा है 1, 2, 3, 4, 5 या 6 तरह साडे कोल परिणाम आ सकदे। तां उसने हुण की पुछिया है, टांक संख्या केड़ी संख्या हुंदी है, इहनां चों टांक संख्या आपां लभणी है। एक टांक संख्या, 3 टांक संख्या और 5 टांक संख्या। अपने कोई टांक संख्यावां कितनी आ गईं, 1, 2 ते 3। संभावना किसकी संभावना पता करनी है असी, टांक संख्या दी, टांक संख्या आउण दी किसके बराबर होगा, छोटा लिखूंगा मैं। वैसे तो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो मैं इतने लिखूंगा अनुकूल परिणाम सिंपल बटा कुल संभावी परिणामों की संख्या, इतने मैं लिखूंगा कुल परिणाम। थोड़ी जी स्पेस नू यूटिलाइज करेंगे। तो अनुकूल परिणाम टांक संख्यावां कितनियां ने, 1, 2 ते 3। तो तीन से भी असीं 3 और कुल परिणाम कितने आंदे पासे सुटण ते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3/6 असीं कटिंग कर सकते हैं, 3 एकम 3 दूनी ये बनिया 1/2। तो साडे कोल आंसर की आया 1/2। तो असीं उस आंसर नूं इत्थे भर सकते हैं। तो असीं कह सकते हैं कि एक पासा एक वार सुटिया जाता है, पासे दे उत्ते एक टांक संख्या आउण दी संभावना 1/2 है। चांसिस है 1/2 वारी टांक संख्या आएगी। जे उसने पूछा होंदा जिस संख्या की संभावना की है, तो जिस संख्या अपने कोल केड़े केड़े ने, एक ए जिस संख्या, एक ए जिस संख्या और एक ए ईवन नंबर या जिस संख्या है, तो इसकी संभावना की है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3। कुल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3/6 आपस कटिंग होगी तो यह 1/2। तो जिस संख्या की संभावना की है, 1/2। इसे क्वेश्चन को जेकर आप थोड़ा जा होर डीपली चलीए, जेकर उसने पूछा होंगे एग्जामिनर ने कि 4 तो छोटी संख्या आने की संभावना है, तो 4 तो छोटी संख्या कि 1, 2 ते 3, 3 संख्यावां ने 4 तो छोटिया, तो असं लिखते हैं अनुकूल परिणाम कितने, 3/ कुल परिणाम कितने, 6। तो कट होके की आएगा 1/2। सो इसी क्वेश्चन सानू वो किन्नी बड़े डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स नाल साडे तों पुछा जा सकता है और असं सिर्फ इन्ना ध्यान देना है कि कीड़ियां चीजा उस दे विच क्वालीफाई करदियां ने और टोटल साडे कोले आउटकम्स किन्नियां ने। तो आप अगले क्वेश्चन विच इस नूं होर क्लीयर करांगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अज दा, क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आटे दियां उन्हां 11 थैलियां विच जिन्हां उत्ते 5
किलोग्राम जिन्हां उत्ते 5 किलोग्राम अंकित है असल विच आटे का हेठ लिखे अनुसार भार है। असल विच आटे का हेठ लिखे अनुसार भार है। स्टेटमेंट अगे की है, अपने को अलग अलग भार दिते हुए हैं 4.97, 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 ते 5.00। क्वेश्चन की है, असीं मार्केट च आटा लैन जाने हां, थैली उपर लिखिया हुंदा है 5 किलो। 5 किलो जो लिखिया हुंदा है तां एग्जैक्ट उहदे विच 5 किलो भार नहीं हुंदा, कई वारी 2-3-4 या 5 ग्राम वध जांदा है, या 10-20 ग्राम भी वध जांदा है, और कई वारी उह भार थोड़ा जिहा घट उहदे थोड़ा जिहा घट आटा पाया हुंदा, जिस करके एग्जैक्ट 5 किलो भार नहीं हुंदा, वो 4 किलो 950 ग्राम या 4 किलो 970-980 ग्राम दे अराउंड हुंदा है। तां लिखिया तां उपर 5 किलो होया, 11 थैलियां कुल ने, उन्हां दे उपर 5-5 किलो लिखिया होया है, पर एक्चुअल च भार उन्हां दे जदों आपां ध्यान नाल मेजर कीता तां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 11 थैलियां ते जिहड़े भार ने ओह थोड़े जिहे घट वध ने। पहली थैली च 5 किलो पूरा नहीं, 4.97 किलो है, मतलब 4 किलो 970 ग्राम। अगली च वाद है, अगली च 5 किलो तो वाद है, इस च भी 5 किलो तो वाद है, इस ते एग्जैक्ट 5 किलो है, इस थैली दे विच, इस च 5 किलो तो वाद है, इहदे विच भी ज्यादा है, इस च 5 किलो तो घट है, इस च भी 5 किलो तो ज्यादा है, इस च भी 5 किलो तो ज्यादा है, और इस दे विच एग्जैक्ट 5 किलो है। हुण क्वेश्चन की है, क्वेश्चन पहला यह है, अचानक इन्हां दे विचों एक थैली नूं चुनिया जांदा है, इन्हां चों चुनी अचानक एक थैली दा भार की संभावना है कि जिहड़ी असीं थैली चुनदे हां उसका भार एग्जैक्ट 5 किलो होगा। पहला क्वेश्चन की है कि एग्जैक्ट 5 किलो, 5 किलोग्राम भार आपां नूं पूरा पूरा चाहिए कि पूरा 5 किलोग्राम भार। सानू पता है कि संभावना किस दी, 5 किलोग्राम भार दी थैली आउंदी की संभावना है। संभावना सानू पता है किस दे बराबर होंदी है, अनुकूल परिणामा दी संख्या, मैं सिंपल लिखदा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामा की संख्या, कुल संभावी परिणामा की संख्या, तो मैं इतने लिखता कुल परिणाम। तो संभावना की है 5 किलोग्राम दे, हुण अनुकूल परिणाम की है, एग्जैक्ट 5 किलो देखो कितने कितने लिखे, ये भी नहीं है, ये ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, यही है, एक तो यह एग्जैक्ट 5 किलो है, दूसरी यह भी ज्यादा है, यही ज्यादा है, घट ज्यादा ज्यादा, और ये पूरी। तो कुल दो ऐसिया थैलियां ने जिस दे विच एग्जैक्ट 5 किलो भार, 5 किलो आटा पाया गया, तो असी कहने कि संभावना कि 5 किलोग्राम की थैली ही चुनी जाए तो वह है अनुकूल परिणाम, कि 2 बटा कुल परिणाम, मतलब कुल थैलियां कितनी ने 11 अपन दी हुई, आप गिन भी सकते हैं, तो 2/11। आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन है। इसे तरह उसने की पूछे सेकेंड इज द पार्ट, जो उसने पूछे कि संभावना पता करो कि 5 किलोग्राम तो वध भार होंगे, संभावना कि जो थैली दे विच जिहड़ी थैली असीं चुनी है उस दे विच जो भार आटा है वह 5 किलोग्राम तो वध उसका वेट है, तो आपां लिखांगे संभावना, संभावना सानू की पता है
संभावना किस चीज की संभावना 5 किलो तो वध भार होने की की संभावना अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावी परिणामों की संख्या। हम 5 किलो तो वध भार वाले आप चेक करते हैं। पहली चीज आप भुलेखा ना पवे, मैं इसमें सिंपल दोबारा 5-5 ही लिख देना, सो दैट असी 5 तो वध वाले राउंड दे विच ले आईए। ये 5 किलो सी और ये भी 5 किलो सी। तो 5 किलो तो वध भार वाली थैलियां किहड़े किहड़िया ने? एक ये है, दूसरी 5.08, 5.03, ये 5 है पूरी पूरी, ये 5.06, ये 5.08, ये 5.04 और 5.07। तो कुल जिहड़ियां थैलियां 5 किलो तो वध भार वध भार वाली वो किनिया ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। अनुकूल परिणाम किन्ने? 7 बटा कुल परिणाम किन्ने? 11। आपां नूं 11 थैलियां पहला तो ही दित्तियां होईयां, तो यह बन गया 7/11। और थर्ड पार्ट उसका की है कि वो थैली आने की संभावना है जिसका भार 5 किलो तो घट हो। हुण मैं की करूंगा, संभावना 5 किलो तो वध की बजाय की करूंगा घट होण दी, घट भार होने की संभावना है वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावी परिणामों की संख्या। तो 5 किलो तो घट वाले तो नजर आएंगे, जेडे भी 4 वाली लाइन दे रहे वो 5 किलो तो घट ने। तो एक तो यह पे, उस तो बाद ये सारे 5 के बराबर या 5 तो वध ने, और दूसरा यह आ गया 4.98। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम किन्ने है? 2, क्योंकि 2 लभे अपन 5 तो घट वाले, और कुल परिणाम किन्ने है? 11। तो असं कह सकते हैं कि 5 किलो तो घट भार वाली थैली चुनन की संभावना कितनी है? 2/11। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी, स्कोरिंग क्वेश्चन है, जनरली अपने एग्जाम दे विच ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बड़े ध्यान नाल करन दी लोड़ है। इसको नेक्स्ट असीं अज दा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दी पहला मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, एक थैले विच इको आकार दिया 3 नीलियां नीलियां गेंदा दिया 3 नीलियां गेंदा 4 लाल गेंदा 5 पीलियां गेंदा पाईयां गईयां हन। राम बिना देखिया थैले चो एक गेंद बाहर कढ़दा है, राम बिना देखिया थैले चो एक गेंद बाहर कढ़दा है, की संभावना है कि गेंद? हुण क्वेश्चन की है की संभावना है कि गेंद, पहली चीज उसने पूछी है नीले रंग दी होवेगी। क्वेश्चन ये है, ये पहला पार्ट है, सेकंड एक होर पूछा, थर्ड एक होर पूछा, फोर्थ एक होर पूछा। अपने तो 4 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देके अपने तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि है कि एक थैला है उसके विच 3 नीलियां गेंदा सुटियां, 4 लाल गेंदा सुटियां और 5 पीलियां गेंदा पातियां गई। टोटल गेंदा कितनी हुई? 3 + 4 + 5। टोटल लगाने 3 + 4 + 5, 3 ते 4 7 ते 5 12।
कुल गेंदां जिहड़ियां विच गईआं ने थैले दे विच ओह हैगीआं 12। तां एक गेंद उसने चक्की और जदों चक्की तां उसने देखिआ नहीं, साइज भी सेम है गेंद दा, राम ने बिना देखे गेंद चक्की है, तां कहिंदा की संभावना है कि जिहड़ी गेंद बाहर आएगी ओह नीले रंग दी होवेगी, नीले रंग दी होवेगी। तां आपां लिखदे आं संभावना, संभावना किस दे बराबर होंदी है, किस चीज की संभावना, नीले रंग दी गेंद निकलन दी की संभावना होंदी है जी। ये सानू पता है फॉर्मूला की है, अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या। ता अनुकूल परिणाम हुण सब तो पहला हमें की क्या, नीली गेंद, नीली गेंद टोटल गेंदां किन्नियां सीगियां 12, नीलियां गेंदां किन्नियां ने, नीली गेंद देखो 3 ने ना, ता अनुकूल परिणाम किन्ने आणगे 3 बटा कुल परिणाम टोटल गेंदां किन्नियां ने 12, ता 3 बटा 12 और कटिंग करांगे 3 एकम 3 3 चौका 12 ता ये आ गया 1 बटा 4। नीली गेंद बाहर आने की संभावना की है 1/4। अगला क्वेश्चन सेकंड जो उसने हुण की पूछे, लाल रंग की गेंद बाहर आने की संभावना, हुण नीले की थां ते सारा कुछ दोबारा लिखने की बजाय हुण मैं सिर्फ नीले की थां ते लाल लिख देना, लाल रंग की गेंद बाहर आने की संभावना की है, कि लाल रंग की गेंद होगी की संभावना है, तो संभावना ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 4, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 3 4 7 7 5 12, ਟੋਟਲ ਗੇਂਦਾਂ 12 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ 4 × 4 4 × 12 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ 1/3। ਹੁਣ ਥਰਡ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੇਂਦ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ, 3 ਨੀਲੀਆਂ 4 ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ 5 ਪੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਵਟਾ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ 0 ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹੈ 12, ਤਾਂ 0 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 0। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਲਾਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਇਸਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਕੀ ਗੇਂਦ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਪੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 5 ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 12, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 5/12। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਜ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ PE
बराबर है 0.7 ता पी ई नहीं ता पी ई नहीं की होवेगा की होवेगा। कहिंदा जेकर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी किसी चीज की संभावना 0.7 दे बराबर है तो उस चीज की संभावना ना होने की किस दे बराबर होगी। अपने एक फॉर्मूला पहला किया है वो की सीगा कि पी ई प्लस पी ई नहीं एक किस दे बराबर होंगे दोनों का जोड़ एक दे बराबर होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वो ना हो पॉसिबल ना होगी आउटकम ना निकले दोनों का जोड़ किस दे बराबर होंगे एक दे तो प्रोबेबिलिटी पी ई कि बराबर दिता हो 0.7 दे तो मैं पीई के बराबर लिखता 0.7 पीई की थान से मैं लिखता 0.7 प्लस पीई नहीं पता करनी है इतने मैं एज इट इज ही पीई नहीं लिखता बराबर है एक दे तो जो ये पीई नहीं है ये लैफ्ट साइड से पिया रह जाएगा और 0.7 ये अगे प्लस है इसके साइन जो कुछ भी लिखता प्लस होता है तो यह उधर चला जाएगा और उधर जाके की हो जाएगा एक चो ये माइनस हो जाएगा एक माइनस 0.7 हूँ एक चो मैं जो 0.7 घटाना तो यह आएगा 0.3 तुम इस करके देख सकते हो 1.0 चो मैं 0.7 जो घटाना तो 10 से 7 कटे 3 0.3 तो यह साडा की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जेकर PE बराबर है 0.7 तो P नहीं E बराबर आएगा 0.3 सिंपल असी फॉर्मूले पुट किया और आंसर कटता। हुण इसे तरह अगला क्वेश्चन है एक बार होर आपां प्रैक्टिस कर लिए जेकर PE बराबर है 0.4 तो PE नहीं की होवेगा जेकर यह 0.4 के बराबर है PE नहीं की होगा अपन पता है कि PE प्लस PE नहीं ये दोनों का जोड़ के बराबर होता है एक के बराबर तो PE का मूल की है 0.4 PE नहीं ये असी पता करना है बराबर है एक आ 0.4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का तो PE नहीं बराबर है एक माइनस ये प्लस 0.4 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 0.4 और 1.0 जो मैं 0.4 घटाऊंगा तो तुसी सिंपली इन सोल्व करके देख सकते हो कि आंसर क्या आएगा 0.6 तब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं किस दे बराबर है 0.6 दे बराबर है जो कि साडे तो पूछा गया है। इस तो नेक्स्ट असी क्वेश्चन करते हैं एक क्रिकेट मैच च एक महिला बल्लेबाज एक क्रिकेट मैच च एक महिला बल्लेबाज खेडिया गई 30 गेंदा चो खेडिया गईयां 30 गेंदां चो 6 बार चौका मार दी है चौका ना मारे जान दी संभावना पता करो या संभावना की होगी की कह रहा है कि एक कोई प्लेयर है लड़की है वो बल्लेबाज बैटिंग कर रही है वो 30 गेंदा खेल दी है टोटल तो 30 दे विचों वो 6 गेंदा ते चौका मार दी है किन्नियां गेंदा ते नहीं मार दी उसने 30 गेंदा फेस की है 30 चो 6 गेंदा ने चौका मारता किन्नियां ते नहीं मारिया 24 गेंदा ते तो क्वेश्चन किया उसने
चौका ना मारे जान की संभावना की होगी या पता करो। तो आप की लिखांगे संभावना किस चीज की ब्रैकेट च चौका ना मारे जान दी। ये किस दे बराबर होएगी सानू पता है किस दे बराबर होती है फॉर्मूला से लिखना जरूरी है। अनुकूल परिणाम दी संख्या बटा कुल संभावी परिणाम दी संख्या। चौका ना मारन दे उन्हें क्या चौका ना मारे जाती अनुकूल परिणाम किन्ने है तीह चो छे गेंदा ते चौका मारता पर चौबी ते नहीं मारे इट मीनस ना किन्ने गेंदा ते नहीं मारे चौबी ते बटा कुल गेंदा किन्ने है गेंदी उन्हें तीह तो आंसर साडा की आएगा चौबी बटा तीह। और ये क्वेश्चन सानू ऑप्शन दे विच भी दिता हो सकता है चार ऑप्शन हो सकती ने सारे चार आंसर दिते हो सकते सानू टिक मार्क करने लई कह सकते ऑप्शन चौबी बटा तीह लिखा हो सकता है टिक मार सकते हैं उत्थे होर की लिखा हो सकता है उत्थे बारह बटा पंद्रह भी लिखा हो सकता है बारह बटा पंद्रह से टिक लगा देंगे उत्थे इस नूं तीन नाल डिवाइड करेंगे तो चार पांच तो उत्थे चार बटा पांच भी लिखा हो सकता है चार बटा पांच से टिक लगा देंगे। तो सिंपल बड़ा क्वेश्चन सिंपल है कि असी फॉर्मूला पुट किया किन्निया गेंदा ते चौका नहीं मारिया उसने चौबी गेंदा ते अनुकूल परिणाम चौबी है बटा कुल परिणाम तीह है तो चौबी बटा तीह डिवाइड करके की आ गया चार बटा पांच तो हरेक पांच गेंदा चो वो चार गेंदा ते चौका नहीं मारेगी सिर्फ एक गेंद ते चौका मारेगी। सो बेटा इसको अगला क्वेश्चन जो से करांगे आज का क्वेश्चन क्वेश्चन की है एक पासे नू एक बार उछालिया जाता है एक पासे नू एक बार उछालिया जाता है चार प्राप्त करने की संभावना हेठ लिखे अनुसार है चार प्राप्त करने की संभावना हेठ लिखे अनुसार है। यह साडे कोल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है पहली ऑप्शन है एक दूजी ऑप्शन है एक बटा छे तीजी ऑप्शन है 0.75 और डी मतलब चौथी ऑप्शन साढ़े को ले है वो है 3/5। टेस्ट में बड़ा सिंपली सोल्व कर दूंगा कि यह एक पासे में एक बार उछालिया जाता है जो उसी पासे में उछालते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे छे तो कुल परिणाम कितने कितने होंगे छे किड़े किड़े एक दो तीन चार पांच ते छे चार राउंड की संभावना पूछी है उसने चार राउंड की संभावना चार कितनी बार आया छे दे विचों सिर्फ सिर्फ एक बार कह सकते हैं मैं छोटा फॉर्मूला लिख देना संभावना किस चीज की चार आउन दी किस दे बराबर है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावी परिणाम दी संख्या या इसमें असी अनुकूल परिणाम दी संख्या बटा कुल संभावी परिणाम की संख्या अनु चार कितनी बार आया सी एक बार बटा कुल परिणाम की है छे तो साडा आंसर की आया एक बटा छे तो असी इस ते टिक एग्जाम दे विच लगा देंगे या आंसर विच असी एक बटा छे लिख देंगे।